भाई कहते हैं कि बादशाह तो आखिर बादशाह ही होता है और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। शायद इसीलिए भी किंग खान के फैंस उनका और उनके अगले फिल्म कौन सी होगी इसके अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बीच बीच में शाहरुख और उनके प्रोजेक्ट से जुड़े कई तरह की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन सब महज अफवाह ही निकली। इस बीच नया अपडेट आया है जो शाहरुख के फैंस के एक्साइटमेंट को जरूर बढ़ा देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपरस्टार साउथ के मशहूर डायरेक्टर एटली से आजकल काफी मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक होता है तो हो सकता है कि बादशाह खान की अगली फिल्म एटली के साथ ही हो। सोर्सेज की माने तो शाहरुख का स्टोरीज पर स्टडी कर रहे हैं। उनकी अली अब्बास जफर से भी मुलाकात हुई, लेकिन वो फिल्म किसी वजह से अब नहीं बन रही। अली भी अब दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हैं। बता दें कि डायरेक्टर एटली विजय के साथ दिसंबर में एक और फिल्म करने वाले थे, लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट रुक गया। ऐसे में एटली दिसंबर में अब पूरी तरह से फ्री है, तो हो सकता है कि एटली शाहरुख के साथ अब एक नया प्रोजेक्ट करे, जिसके लिए वो आजकल किंग खान से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। बता दें कि शाहरुख के साथ एटली की फिल्म ओरिजिनल होगी और ये मर्सल या थ्योरी की तरह रीमेक नहीं है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये कोई रोमांटिक नहीं बल्कि मास एंटरटेनर फिल्म होगी जो पूरी तरह एक्शन से लबरेज होगी। शाहरुख को स्क्रिप्ट और एटली का विजन पसंद आया और फिल्म को शाहरुख का ही प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट के लिए एटली को कुछ अमाउंट भी दी जा चुकी है। वेल, लगता है कि फाइनली अब शाहरुख के चाहने वालों की दुआ रंग ला सकती है।